दैनिक रुड़की में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित मेहता। जैसे कि आपको पता है कि होली का पर्व आ रहा है और बिना व्यंजनों के यह त्यौहार भी अधूरा है। और रुड़की शहर में कुछ गिनी चुनी दुकानें ऐसी हैं कि जिन पे हम विश्वास जता सकते हैं। उनमें से एक दुकान है कुंदन स्वीट्स की, जो कि सिविल लाइन में स्थित है। और आइए हम जैसे आपको दिखा दें कि होली के पर्व की तैयारी कैसे चल रही हैं। हम कैमरामैन हमारे दीपक जी हम बताएंगे। देखो बर्फी है, पेड़े सज चुके हैं, गुजिया हैं, दो प्रकार की गुजिया होती है, एक चाशनी वाली है, एक बिना चाशनी वाली है। आगे समोसे हैं और समोसे भी दो प्रकार के समोसे हैं, या मोतीचूर के लड्डू भी आप देख सकते हैं। और ये गुजिया हैं, ये बिना चाशनी की गुजिया होती हैं। और ये देखो मठिया भी यहाँ पे हैं। और आइए हम अब आपकी बात करवाते हैं अरविंद कश्यप जी से और उनसे पूछते हैं कि वह इस बार होली में क्या नया लेके आई हैं। आइए हमारे साथ। सर इस बार आप होली पे क्या नया लेके आए? सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं। और होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। और इस बार हमने अपनी शॉप पर गुजिया 3-4 प्रकार की बनाई है, जिसमें ड्राई फ्रूट वाली गुजिया है, बिना चाशनी वाली गुजिया है, वो बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है गुजिया का। और बाकी मटर काजू का समोसा हमारा बहुत आजकल फेमस है और बहुत बिकता है। काजू समोसा भी नमकीन का है, इसको कॉकटेल समोसा ही बोलते हैं। और बाकी मटर हैं, छोटी मठिया हैं, नमकीन आइटम भी सेल है और कई प्रकार की नमकीन भी तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी नगरवासियों का। सर जैसे प्रश्न एक पूछते हैं कि जैसे होली के पर्व में लोग ठंडाई पुलम पोरी वो चीज़ें भी बहुत पसंद करते हैं, तो इस आपके वो शॉप पे हैं? ना, हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ मिठाई का ही है, सिर्फ इसमें गुजिया बहुत आजकल बिक रही हैं, बाकी और सब मिठाइयाँ तो बिक रही हैं, जैसे चॉकलेट बर्फी है, मिल्क केक है, मोन खीर है और ढोकला भी आजकल बहुत बिकता है। मेन जो है नमकीन में मटर गुजिया और ये छोटी मट्ठी, छोटा समोसा काजू वाला। ये अब जैसे कि हम आपको बता दें कि अरविंद कश्यप जी के पुत्र सोनल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि हम अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप दिखाएं कि तरह तरह की नमकीनें अब हमारे पीछे देख सकते हैं, मठियाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के समोसे के शेप में मट्ठी है, ये प्लेन मट्ठी है। अब हम सोनल जी से आप मेरा प्रश्न आपसे होगा कि इनकी आप खासियत बताइए कि इनमें क्या क्या खासियत है, इनके स्वाद। पहले तो नमस्कार सबको, रुड़की वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शॉप पर स्पेशल नमकीन्स हैं होली के लिए, मिक्सचर नमकीन्स है हमारे पास, और काजू समोसे जो काफ़ी फेमस है आजकल रुड़की में, और ये हमने ही सबसे पहले इवेंट करे थे तो ये हमारे काफ़ी चलते हैं। मट्ठियाँ 2-3 तरह की हैं, काफ़ी अच्छी हैं और यही सब चीज़ें इन हैं आजकल जो होली पर काफ़ी पसंद आती हैं। जैसे कि मठिया भी काफ़ी प्रकार की, हाँ ये मेथी वाली मट्ठी है जी जी, और हमारे पास ये प्लेन मटर है। तो ये काफ़ी चीज़ें होली के फेस्टिवल पर काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है और अच्छी लोग होली के पर्व में काफ़ी इसको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली क्योंकि स्नैक्स का त्यौहार है, स्नैक्स एंड स्वीट्स, तो स्नैक्स में ये सब बहुत अच्छे चलते हैं और स्वीट्स में तो गुजिया को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता होली पर, तो गुजिया तो फॉरएवर मिठाई है। जैसे कि आपने देखा कि गणपति कुंदन स्वीट्स जो कि सिविल लाइन में स्थित है, आज उनके ऑनर अरविंद कश्यप जी और उनके पुत्र सोनल कश्यप जी हमारे साथ थे। उन्होंने के बताया कि हमें इस बार क्या क्या खास लेके आए हैं वो अपनी दुकान पे होली पे। और आप हमारे साथ जुड़ चुके आप दिया थी दो, हमने आपको पहले भी बताया था कि दो प्रकार की गुजिया है, एक ये प्लेन है और एक ये चाशनी वाली है। आप सब देख सकते हैं कि पेड़े भी हैं और बर्फ़ी का भी आप देख सकते हैं। और आपको मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे आपको दिखाएं, ये पैकेट आप देख सकते हैं, मठियों के पैकेट हैं, अलग अलग प्रकार की मठियाँ हैं, कोई प्लेन है और कोई मेथी वाली भी मट्ठी है और लोग बाग। और जैसे कि आपको पता है कि यह दुकान बहुत समय से सिविल लाइन में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध भी है और यहाँ के छोले भटूरे भी बहुत फेमस है। और आइए हम जानते हैं आप यहाँ के कस्टमरों से कि उनको यहाँ के छोले भटूरे कितने पसंद हैं। सर पहला मेरा आपसे प्रश्न होगा कि यहाँ पे आप कितने टाइम से आ रहे हैं, आपका नाम? सर आनम गुज्जर। सर आपसे यहाँ पर सर कितने टाइम से सर आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ। सर आप यहाँ के छोले भटूरे खा रहे हैं, आपको कैसा स्वाद लगा? बेस्ट है।
सर आपका नाम सर? गौरव चौधरी। सर आप भी यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं, मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। अक्सर आप आते रहते हैं, तो आपको यहाँ के छोले भटूरे की ऐसी क्या खासियत लगती है? घर जैसा स्वाद आता है छोले भटूरे में यहाँ के। अच्छा, यहाँ का टेस्ट, अच्छा यहाँ की टेस्ट अलग है। हाँ हाँ, घर जैसे। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और है। सर आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। सर आप सर यहाँ पे सर कब से आ रहे हैं? मैं जब से दुकान है जब से ही आ रहा हूँ। सर आपको यहाँ के छोले भटूरे आपको पसंद है? जी, अच्छे लगते हैं। तो सर यहाँ के छोले भटूरे में ऐसी क्या चीज़ अलग है जो बाकी दुकानों से अलग है? बस यहाँ शुद्धता मिलती है, एक तो सफाई का अच्छा ध्यान है, आराम से सुकून से आदमी बैठ के खाना खा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कस्टमर थे, कस्टमर ने अपनी अपनी राय बताई कि वह काफ़ी समय से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का जो स्वाद है छोले भटूरों का वो बाकी जगहों से बहुत अलग है और वो उनको वो यह चीज़ बहुत